वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबजीत सिंह झल्ली, जिला प्रधान होमगार्ड वैलफेयर एसोसीएशन हुशियारपुर वालों आप जी सारयां नूं सत श्री अकाल। वीर जी, मैं जिहड़ी अज गल कहण जा रहा, यह बड़े ही ध्यान नाल सुनियो। वीडियो इस वीडियो नूं लास्ट तक सुनियो। जिवें कि तुहानूं पता आ कि 17/1/2023 नूं सुरखियां टोल प्लाजा दे उत्ते रोस प्रदर्शन पंजाब वालों कीता गया सी। जिथों तक मैं समझदा कि बहुत वधिया प्रदर्शन सीगा ते 101% जिहड़ा आ उह कामयाबी धरना रहा। उत्थे मानयोग SSP साहब रोपड़, DSP साहब ते हलका SHO साहब मौजूद सी, जिन्हां ने पंजाब सरकार नाल गलबात करके सानू मिती 18/1/2023 दा समां पंजाब सरकार नूं मिलाउण दा दित्ता। 18/1/23 नूं साडी 6-मैंबरी कमेटी जिहड़ी OSD साहब नूं, श्री बराड़ साहब नूं मिली, ते उत्थे बहुत ही सत्कारयोग साडे कुलतर सिंह घुम्मण जी, कमांडेंट जनरल साहब भी साडी फाइल लैके मौजूद सी, पहलां तों ही मौजूद सी, जिन्हां नूं पंजाब सरकार वल्लों बुलाया गया सी, जिन्हां ने बहुत ही सुचजे ते वधिया ढंग दे नाल पंजाब सरकार नूं साडियां मंगां मूहरे जाणू करवाया। उन्हां ने यह भी कहा कि यह एक सिर्फ नां दे वलंटियर आ, ये पक्की फोर्स वांगू दिन रात एक काम करदे आ, दिन रात वधिया तनदेही नाल ड्यूटी करदे आ। इस करके इन्हां दा यह हक बनता इन्हां नूं रिटायरमेंट माण भत्ता, पेंशन अते छेवां तनखाह कमीशन दीआं इन्हां दीआं मंगां बहुत जायज़ आ और इन्हां नूं मिलणियां चाहीदियां। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पहलां भी 2 बार यह फाइल कंप्लीट करके भेजी आ, पर सरकार ने अखों फरोके किया कि जेकर इन्होंने धरना लाया तो वह एक इन्ह की मजबूरी सी। दोस्तों, मैं ये गल समझदा कि इस बार जो भी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग घुम्मण साहब ने कहा, यह साड़ी एक सीधी पिठ नूं थापड़ा दिता उन्होंने, बिल्कुल साढ़े हक सच की आवाज़ जिहड़ी आ उह सरकार तक पहुँचाई आ, और उन्होंने पूरा जोर इस गल का लाया कि इन्हां दीआं इह मंगां मन्नणियां चाहीदियां सरकार नूं। ते उत्थे ही मानयोग SSP साहब ने, रोपड़ ने यह कहा कि जेकर यह प्रोटेस्ट दुबारा हुंदा तां इहदे विच साडी कोई जिम्मेवारी नहीं होवेगी। उन्होंने भी कहा कि यह जवान थाणियां दे विच सिर्फ ड्यूटी नहीं करदे, इन्हां विचों कुछ जवान इदां दे आ जिहड़े उह NGO का भी काम करते हैं, 302 तो लैके भारतीय जो भी कानूनी धारा के मुताबिक जिन्हें भी परचे होंगे आ, कई तो जवान वो परचे भी देंगे। उन्होंने दसिया कि जिहड़ा दीनानगर कांड होया 2015 के विच, उस वेले मैं खुद हाजिर सी, SP सी। इन्हां जवानों ने बड़ी ही बहादुरी दे नाल विदेशी ताकतां दा डट के मुकाबला किया, 3 जवान शहीद होए ते बाकी कुछ साथी इन्हां दे जख्मी भी होए। करोना काल दे विच भी इन्हां जवानों ने बहुत वधिया ड्यूटी कीती, ते बाहरलियां इलैक्शन स्टेटां दे विच भी ये बहुत वधिया ड्यूटी करदे आ। उन्होंने बहुत ही वधिया ते सुचजे ढंग नाल सरकार नूं साडियां मंगां बारे जाणू करवाया, और जिथे बराड़ साहब ने उन्होंने 15 तरीक का टाइम दिता सी कि इन्हां दीआं मंगां हल करन बारे सानू 15 तरीक दो, पर उत्थे मानयोग SSP साहब ते घुम्मण साहब ने यह गल कही कि नहीं जी, तुसीं इन्हां दा जल्दी ही फैसला करो, 1 तरीक बाउंड करो। उन्होंने कहण दे मुताबिक ज़्यादा जोर पाउण करके 1 तरीक बाउंड की गई, 2 महीने की 1 तरीक बाउंड की गई। एसोसीएशन ते पंजाब होमगार्ड के सारे जवानों उम्मीद आ कि 1 तरीक नूं तुहाडे लई
बहुत ही भागां वाला दिन ते खुशियां वाला दिन होवेगा ते नोटिफिकेशन भी हो सकदा। मित्रों हो सकदा है तो अलावा एक मीटिंग होर भी हो जाए, पर इहदे विच एड्डी घबराउण वाली गल नहीं हैगी, क्योंकि जिहड़े साडे अफसर साडे पिछे बोल रहे आ, साडी सपोर्ट कर रहे आ, उन्होंने पंजाब सरकार ते पूरा दबाव बना रख्या और उन्होंने साडा वादा किया कि तुहाडा एक काम हो के ही रहना है, तो पंजाब सरकार भी चाहती है भी काम हो जाए। पर मैं इतने एक गल होर कहना चाहता कि कुछ शरारती अंसर जिमें कि 2004 दे विच सूबा प्रधान साढ़े सलामदीन जी सी, उन्होंने अपने कार्यकाल जो भी किया वो सारे नूं पता, पर हुण जो शरारतां वो कर रहे हैं, पहला तो 6 मैंबरी कमेटी उन्हां दा नां है नहीं सी, उत्थों धक्के ना गए, चलो उन्होंने भी एक इज्जत मान बख्शिया अंदर लै गए, उत्थों उन्होंने साढ़े अफसरों के खिलाफ भी गलत बयानबाजी की, साड़ी एसोसीएशन के कुछ नुमाइंदियां नाल भी झगड़ा किया। दोस्तों इतों साबित होंदा कि असीं दो फाड़ हो चुके हैं, पर अजिही भी कोई गल नहीं, क्योंकि वह शरारती अंसर सी, शरारती अंसर है तो शरारती अंसर रहूगा। पंजाब सरकार दे फैसला सुनने तो बाद उन्हें बाहर आके वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जो कि बहुत ही माड़ी गल सी उहदे लई, पंजाब सरकार ते SSP साहब के खिलाफ जो भी उन्होंने मतलब पहला भद्दी शब्दावली वरती वो सहन योग नहीं सी, वो गलती बख्शन योग नहीं सी, पर फिर भी साढ़े रहम दिले अफसर ने उन्हें कुछ नहीं किया, उहदे बच्चों वल ध्यान दिता। पर हुण एक वीडियो बना के एक आइडियो तैयार करके वो सारे पंजाब के जवानों को गुमराह कर रहा कि 24 तरीक नूं नहरू पार्क पटियाला दे विच उन्हें मीटिंग रखी है, तो 25 तरीक नूं उहदे कहण दे मुताबिक आ कि पंजाब च धरना लगेगा। वो ये भी जवानों नूं कह रहा हैगा कि कोई भी जवान 26 जनवरी की परेड नहीं करेगा। पर मैं उन्हां नूं ये पुछना चाहुंदा, सलामदीन जी तुहाडी अहमियत की आ, ना तां तुसीं साडी एसोसीएशन दे कोई मैंबर आ, ना ही असी तुहानू कदे कोई मानता दित्ती आ, साबका प्रधान होण दे नाते असी तुहाडी रिस्पैक्ट जरूर करदे सी, पर जिहड़ी बची खुशी इज्जत आ तुसीं इह गल्लां करके उह वी गवा लई। हुण मैं सारे जवानां नूं अपील करना चाहुंदा कि एक पासे तुहाडा भविख आ, दूजे पासे तुहाडे लई सलामदीन आ, आफत बन के बैठा, तुहाडे 11,000 परिवार के बच्चों के ढिड च लत्त मारनी चाहुंदा, तुसीं किहनूं चुनना चाहोगे, दसो किहनूं चुनना चाहोगे, पंजाब सरकार नूं चुनना चाहोगे, होमगार्ड एसोसीएशन नूं चुनना चाहोगे, कि इस घटिया इंसान नूं चुनना चाहोगे जिहड़ा जवानों नूं गुमराह कर रहा। मैं हैरान हाँ, मैं परेशान हाँ कि इहदियां इन्नियां गलतियां होण दे बावजूद भी साढ़े कमांडर जनरल साहब ने इहते रहम दिली दिखाई, सिर्फ इहदे बच्चों के ढिड च लत्त ना बचे। इस करके मैं फिर जवानों को अपील करना चाहता कि 24 तरीक नूं इहदे धरने ते कोई ना जावे, इहदी मीटिंग ते कोई ना जावे, 24-25 तरीक नूं नहरू पार्क पटियाला दे विच जिहड़ी करन जा रहा उत्थे मानयोग SSP पटियाला जी नाल गल हो चुकी आ, DSP हलका नाल गल हो चुकी है, SHO हलका नाल गल हो चुकी आ, जिहड़ा भी जवान वर्दी पा के उत्थे जाएगा जां सिविल च जिहड़े भी जिले च जाएगा उहदे उत्ते परचा निश्चित होएगा, ये साड़ी गरंटी है इस गल की, क्योंकि असी पंजाब दी एसोसीएशन ते अपने महकमे का माहौल खराब नहीं होण देना, असी अपने अफसरां दी बदनामी नहीं होण देनी। इस करके असी उन्हां नाल गलबात कर चुके हैं, बकायदा तौर पर उन्हां बंदियां दे नाम भी देते हैं जिहड़े शरारती अंसर आ। सलामदीन फतेहगढ़ साहब तो आउंदा, पटियाले जिले में आके लोगों को गुमराह करदा। पिछे जे मैनू पता लगा सी कि हुशियारपुर के भी कुछ जवानों को गुमराह करता सी, पर मेरे हुशियारपुर के जवान मेरे ते बहुत माण महसूस करते, मैं उन्होंने माण महसूस करदा, उन्होंने बिल्कुल ये कॉन्टैक्ट तोड़ लिया, ये बिल्कुल नाता खत्म कर लिया, इस गल की मैं गरंटी देने तैयार हाँ, मेरा जिले हुशियारपुर तो कोई भी जवान नहीं जाएगा ये मगर,
पर बाकी जिलों तो जो जाएगा तो वह परचा करा के आएगा। इस करके मेरी हाथ जोड़ के पंजाब के सारे होमगार्ड वीरां नूं मेरी बेनती आ कि इहदे मगर ना लगो, अपना भविख सवारन लई पहली तरीक की उड़ीक करो। पहली तरीक नूं तुहाडे हक विच कोई फैसला आवेगा। चलो मान लिया जेकर फैसला नहीं होंदा एक तरीक पै जांदी आ, फिर की होगा जी? अगे भी तो 5 साल तो बैठे ही हाँ, एक तरीक होर लै लो। पंजाब सरकार ते यकीन करो, असोसीएशन ते यकीन करो, सीनियर अफसर ते यकीन करो, वो तुहाडा काम करा के रहणगे। पंजाब सरकार तुहाडा काम करेगी, उन्हूं सारा ही नोटिस च उन्हां दे आ गया। इस गल का विश्वास तुहानूं मैं दवांगा कि 100% तुहाडा काम जिहड़ा आ वो सरकार करेगी और सीनियर अफसर साढ़े कराउणगे। वो कोई दुख ही नहीं है साढ़े कुलतर सिंह घूमर जी साढ़े कमांडेंट जनरल आ, हरमनजीत सिंह जी साढ़े डिप्टी कमांडेंट जनरल आ, बहुत जोर ला रहे आ। असी पहला भी उन्होंने बच्चे सी, हुण भी असी उन्होंने बच्चे ही हाँ, और बच्चों की गलती माफ भी करते आए आ, ते गाह तो भी करनगे सानू यकीन आ। पर सानू ये भी विश्वास है कि साडा काम भी कराउणगे, वो दुख ही नहीं है साढ़े। इस करके उन्होंने चिक्कड़ ना छालो, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। क्या मैं इन्नी गल कहता हुआ क्षमा दा जा चुका, जे कोई गलती हो गई तो माफ करना। मैं सीनियर अफसर मूहरे भी बेनती करांगा कि श्रीमान जी तुहाडे सदका बच्चे रोटी खा रहे हैं, तो इन्हों का भविख सवार लई पहली तरीक नूं वध तो वध कोशिश करके नोटिफिकेशन जारी कराओ, तो पंजाब सरकार दे नाल गलबात करो ता कि नोटिफिकेशन जारी हो गए हो जाए, बुढ़ापा इन्हों नूं रिटायरमेंट पेंशन लग जाए, तो सानू पे कमीशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सारे वीरां नूं, एक बार फिर सत श्री अकाल, जय हिंद।